activities and all of you are aware that the lander and the rover are still functioning, and our team is with the scientific instruments doing a lot of work now. And the good news is that the rover has moved almost 100 meters from the lander, and we are going to start the process of making the both of them sleep in the coming 1 or 2 days, because it has to withstand the night. So until we hear about them later, so I would like to say big thanks to each one of you. इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 के रोवर और प्रज्ञान को लेकर एक बात कही है। उन्होंने कहा कि चांद की सतह पर 100 मीटर अब प्रज्ञान रोवर चल चुका है, अब वो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों को जो है स्लीप मोड में भेजने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि विक्रम लैंडर और रोवर दोनों की सेहत सही है, दोनों के सभी पेलोड सही तरीके से काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से वैज्ञानिक बहुत सारा काम कर पा रहे हैं। इससे पहले रोवर ने विक्रम लैंडर की शानदार फोटो ली थी, सामने आए गड्ढे से बचने के लिए उसने अपना रास्ता भी बदल लिया था। वो तस्वीरें एक नेविगेशन कैमरा से ले रहा है, इस कैमरे को लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स ने बनाया है। प्रज्ञान रोवर में एक तरफ ये दो नेव कैम लगे हैं। असल में रोवर का कुल वजन 26 किलो का है और ये 3 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 2.8 फीट ऊंचा है। रोवर में 6 पहिये लगे हैं और अब इन 6 पहियों की मदद से वो लैंडर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर जा चुका है। अब इसे वापस बुलाकर इसरो जो है लैंडर और रोवर दोनों को स्लीप मोड में भेजने की तैयारी में है। रोवर का टारगेट था कि वो चांद का एक दिन पूरा होने से पहले 500 मीटर की यात्रा कर ले। वो लगातार 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है। अगले 5-6 दिनों तक वो चांद की सतह पर तब तक काम करेगा जब तक सूरज से उसे ऊर्जा मिल रही है। तब तक कैमरे से चांद की सतह और विक्रम की फोटो खींचता रहेगा। अब बताते हैं कि आखिर प्रज्ञान रोवर में कैसे कैसे यंत्र लगे हैं। प्रज्ञान रोवर में सबसे पहले आपको बताते हैं, इस पर लगा है सोलर पैनल, यानी ये सूरज की गर्मी से ऊर्जा लेकर रोवर को देगा। उसके ठीक नीचे सोलर पैनल हिंज लगा है जो पैनल को रोवर से जोड़ता है। फिर है नेव कैम यानी नेविगेशन कैमरा, ये दो हैं, ये रोवर की आंखें हैं, इसका चेसिस भी आपको दिखाई देगा। सोलर पैनल के नीचे उसे संभालने वाला सोलर पैनल होल्ड डाउन लगा है। इसके अलावा इसमें 6 व्हील की ड्राइव असेंबली है, यानी पहिए लगे हैं। इसके अलावा रोवर में बोगी है जो पहियों को उबड़ खाबड़ जमीन पर चलने में मदद करते हैं। रोवर के निचले हिस्से में रोवर होल्ड डाउन लगा है, अगर रोवर चल नहीं रहा है तो वो जमीन से जुड़कर एक जगह पर टिका रहेगा। वार्म इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो गर्म माहौल में बेहतर तरीके से काम कर सके। रोवर को दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलते रहें। डिफरेंशियल यानी हर यंत्र और हिस्से को अलग रखने के लिए बनाई गई दीवार है। ऊपर एंटीना है जो लैंडर के साथ संपर्क साधने में मदद करते हैं। और इन तमाम चीजों की मदद से जो है इस वक्त इसरो के वैज्ञानिक प्रज्ञान रोवर से बहुत कुछ काम करा पा रहे हैं, यानी प्रज्ञान रोवर बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके उन्हें दे रहा है, जिसकी मदद से इसरो के वैज्ञानिक चांद को लेकर नई नई चीजों की खोज में लगे हुए हैं। फिलहाल भारत ने अपने सूर्यान को लॉन्च कर दिया है और वो तकरीबन 127 दिन के बाद अपने निर्धारित पॉइंट पर पहुंचेगा। लेकिन इसी दौरान इसरो चीफ ने जो बात कही स्लीप मोड वाली, वो सबसे अहम है, क्योंकि चांद पर अब बहुत जल्द रात होने वाला है और रात होने से पहले लैंडर और रोवर दोनों को इसरो एक साथ लाएगा और उन्हें स्लीप मोड में भेजने की वो तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।